अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक मोबाइल फ़ोन आया है, इसकी बैटरी कनेक्टर में से एक टूटा हुआ है। अब हमने इसको चेंज करना है। ये देखें, दो ठीक हैं, एक टूटा है। सबसे पहले हम दोस्तों मोबाइल फ़ोन को ओपन करेंगे। इसके लिए आपको कोई छोटा सा पेचकस या छोटी चिमटी कुछ भी लेना, लेकिन यह है कि इसको बहुत एहतियात से खोलना है। इसके पॉइंट हैं, ये लॉक है, इनको ऐस तैस ऊपर कर दे इस तरफ से भी। अब उससे आगे उसको भी, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसमें पीसीबी के अंदर कुछ छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, अक्सर वो जब ज़बरदस्ती अंदर डालें ना इसको, तो ये टूट जाते हैं। जब टूट गए तो सत्यानाश हो जाएगा मोबाइल। आपने ठीक करना है, उसका बेड़ा ही गर्क कर देंगे। तो इसको बहुत एहतियात से आपने करना है, ताकि ज़्यादा अंदर नहीं जाने देना, और बहुत ही एहतियात से इसको आपने करना है थोड़ा सा, ताकि कोई भी पुर्जा पीसीबी से ना टूटे। ये दोस्तों ये ओपन हो गया। अब इसको ये भी उतार लेना है, और उसके बाद ये जो है इसको भी उतार लेना है। अब जो बाकी जो है इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा देना, ताकि एलसीडी जो है कि उसके पॉइंट है हिलकर टूट ही ना जाए। ऐसा ना हो कि आप इसको रबड़ ना एलसीडी नीचे इस तरह लटकती रहे और फिर एंड पर एलसीडी टूट जाए। थोड़े से कमाने की बजाय बहुत सारे देने पड़ते हैं। अब इसको पीसीबी होल्डर में मैं कस देता हूँ। कसने के बाद दोस्तों मैं इस बेस को पहले वाले को उतारूँगा। हार्ड एयर गन चल रही है, काफ़ी हार्ड हो चुकी है, तो अब मैं सीधी हार्ड एयर को इसके ऊपर डालूँगा। एक मिनट में गर्म होकर ही उतर गई। अब हार्ड एयर गन को बंद कर देते हैं। इसको उतार दिया, ये पॉइंट है, इनको सीटीसी से एमबीसी से सॉरी अच्छे तरीके से साफ़ किया, ताकि जो भी इधर कचरा वगैरह हो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। ये दोस्तों पॉइंट साफ़ हो गए। अब हमने ऐसे क्या कहना है कि नई बेस लेनी है। ये मैंने नई बेस निकाली, ये देखें। अब इसके पॉइंट थोड़े से यहाँ से रगड़ कर साफ़ कर लेने, सारे के सारे पॉइंट साफ़ कर लिए। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शोल्डर का बस ना समझ लेके निशान ही करना है, शोल्डर का ज़्यादा शोल्डर नहीं लगाना, थोड़ा सा। देखो इसके ऊपर ऐसे ना इसको बिट को फेरना ही है, फिर थोड़ा थोड़ा ये शोल्डर पकड़ लेगी। ये सारे पॉइंट शोल्डर पकड़ते जा रहे हैं। जब सारे पकड़ गए, आप दोस्तों इसको हमने इसकी सही जगह पर रखना है, बिल्कुल एहतियात से। ये जो इसकी हर तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक हो, ये लें, ये इस पॉइंट पर मैंने रख दिया। और मैं कोई इसका टांका एक लगा लेता हूँ, अमूमन दरमियान वाला ठीक रहता है। ये अब ये बिल्कुल है भी सीधी और लग भी गई। अब बाकी भी इसके सारे जितने भी टांके वो लगाने हैं, शोल्डर और कागज दोनों को लेना, पॉइंट के ऊपर रख कर बराबर। ये दोस्त ये भी लग गया टांका, बहुत अच्छा सा ये भी लग गया। दरमियान वाले को दोबारा फिर पक्का कर देते हैं। ये अब दोस्तों इसके आगे की तरफ भी कुछ टांके होते हैं, दो होते हैं, वो भी लगाने हैं। ये भी मजबूत करके लग गया। ये दोस्तों अब इसके सारे के सारे जितने भी पॉइंट थे सारे अच्छे तरीके से लग गए, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखो इस तरह से भी लग गए और इस तरह से भी मजबूती से लग गए। अब ये जो मर्जी कर लें ये नहीं टूटेगी। अब दोस्तों इसको बंद करने के बारी है। सबसे पहले यहाँ एलसीडी के ऊपर हाथ रखकर रबड़ बैंड उतार देना, फिर ये जो पत्ता है इसको लगा देना बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पहले था। अब दोस्तों ये उसको बिरूनी कवर चढ़ाने के बाद आपने इसके अंदर इसको कर देना है फिट। बेस आपकी लग गई।